सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट थ्री प्रॉब्लम देखेंगे कोड प्रोसेस राउंड 901 DIP 2। तो प्रॉब्लम डी में बेसिकली मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, बट कल तक मैं इसे डेफिनेटली अपसॉल्व कर लूँगा, और जैसे ही अपसॉल्व होता है मैं सॉल्यूशन इसका डालूंगा 101%। ओके, अभी हम समझते हैं फर्स्ट थ्री प्रॉब्लम वन बाई वन। तो प्रॉब्लम एक ही एक बार स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या है इसमें। तो बेसिकली देखो, इस एरे में ये तो हमें टेस्ट केस दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें एक ए दिया होगा, बी दिया है, एन दिया है, एंड देन एन साइज का एरे दिया है। ओके, लेट्स से एरे के एलिमेंट हैं ई वन, ई टू, ई थ्री, ई एन, इस तरह से एलिमेंट गिवन है। अब देखो, इस फर्स्ट टेस्ट केस में आप देखो क्या है, एन हमें दिया, ए दिया है 5, बी दिया है 3, एन दिया है 3, एरे के एलिमेंट क्या है 1 1 7। ओके, अब बोल रहा है कि एक किसी सिटी में हमने एक बॉम्ब लगा रखी है। ओके, बॉम्ब का जो इनिशियल जो टाइमर दिखा रहा है उसमें 3 सेकंड दिख रहे हैं, मींस जो बी है वो इनिशियल टाइमर को दिखा रहा है। तो ये इनिशियल टाइमर है कि मींस 3 सेकंड बाद ये बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाएगा। अब बोल रहा है कि हमें इस बॉम्ब का जो एक्सप्लोड करने का टाइम है उसे मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करना है इन टूल्स की हेल्प से। ओके, तो बेसिकली इन्होंने टूल्स बोला है, बट हम समझते हैं कि ये एरे के जो एलिमेंट हैं हम इनसे इस बॉम्ब का जो एक्सप्लोड करने का टाइम है उसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हम फर्स्ट इंडेक्स पे होंगे तो हम इसका जो टाइम है वो जो एलिमेंट की वैल्यू है उतना टाइम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 से क्या हो जाएगा 4, जब हम इस इंडेक्स पर आएंगे तो 4 से हो जाएगा 5, जब हम इस इंडेक्स पर आएंगे तो 5 से हो जाएगा 12, ठीक है। तो अब देखो, इन्होंने बोला है कि ये जो इंक्रीज करने का जो टाइम है, ठीक है, जो टाइमर हम इंक्रीज कर रहे हैं वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो 5 या 5 से कम रहेगा, मींस जो ए की वैल्यू गिवन है उसके बराबर या उसके उससे कम रहेगा, ठीक है। तो जब हमने ये 1 कंसीडर किया तब इसकी वैल्यू क्या थी 4, तो 4 कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। जब हमने इस 1 को कंसीडर किया तब इसकी वैल्यू थी 5, तो 5 भी कंसीडर हो जाएगा। बट जैसे ही हमने 7 पे आए तब ये 12 बन जा रहा है, तो 12 कंसीडर नहीं होगा क्योंकि 12 की जो वैल्यू है वो ए से ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है। तो अब बेसिकली करेंगे कैसे, देखो जब ये 5 पे आया ना तो हम सोचेंगे कि ये रिड्यूज हो जाए, उसके बाद हम इस 7 से कुछ टाइम उठाएंगे, ठीक है, इसका टाइम उठाएंगे और इस टाइमर का टाइम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो लेट्स से ये 5 पे था तो हम सोचेंगे ये 4 हो जाए, 4 के बाद 3 हो जाए, 3 के बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद 1 हो जाएगा। बट 1 से जैसे ही हम 0 पे आएंगे तो ये एक्सप्लोड कर जाएगा, तो हमें एक्सप्लोड नहीं करने देना है, उससे पहले हमें इसका टाइमर बढ़ाना है, ठीक है। तो अब हम क्या है, 1 है, तो 1 में कितना ऐड कर सकते हैं कि ये 5 के बराबर हो जाए, तो यहाँ से हम उठाएंगे बेसिकली 4, ठीक है। तो 4 उठाएंगे, उसे ऐड करेंगे। तो अब देखो, हमने टोटल टाइम टाइम कितना बढ़ाया, ये 1 यहाँ से उठाया, 1 यहाँ से उठाया, 4 यहाँ से उठाया, प्लस 3 ये था, तो आंसर इसका कितना है 4 4 प्लस 5 9। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि क्या मैक्सिमम टाइम हो सकता है उतने सेकंड बाद ये बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाएगा। ओके, तो ये टाइम निकल के आया 9। अब एक बार सेकंड टेस्ट केस में समझते हैं, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा आपको। 7 1 5, ये हमारा ए है, ये बी है, एंड ये एन है, उसके बाद एलिमेंट क्या है 1 2 5 6 8। तो अब आप देखो कि बी इनिशियल टाइम है, ठीक है, तो हम इसे कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो 2 हो गया, 2 के बाद 4 हो जाएगा जब इसे कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब 4 के बाद हम डायरेक्ट 5 को नहीं ले सकते क्योंकि 7 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसका टाइम घटाएंगे, मींस इसका टाइम जब 1 हो जाएगा तब इससे कंसीडर करेंगे 5 को, ठीक है। तो 1 से ये 6 हो जाएगा, ओके, 6 हो जाएगा। अब देखो, 6 अगेन हम 6 डायरेक्ट नहीं लेंगे, तो 6 को हम पहले घटाएंगे, क्या 1 होगा, उसके बाद जब इस 6 को कंसीडर करेंगे तो हो जाएगा 7, ठीक है। एंड अगेन 8 को हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, इस टाइम को हम पहले घट मीन्स कम होने देंगे, उसके बाद 8 को कंसीडर करेंगे, तो ये 1 पे जाएगा, उसके बाद 1 से कितना हम लेंगे 7, ठीक है, 7 ही लेंगे, क्योंकि अगर 8 हमने ले लिया तो ये हो जाएगा, सॉरी 7 भी नहीं लेंगे, 6 लेंगे, यहाँ से लेंगे 6, क्योंकि 6 प्लस 1 ये हो जाएगा 7, जो कि 7 से कम या 7 के बराबर है, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम 7 या 8 नहीं ले सकते, ठीक है, ये दोनों केस नहीं ले सकते। तो हमने टोटल कितना टाइम बढ़ाया इसका, 1 पहले था, 1 यहाँ से उठाया, 2 2 यहाँ से उठाया, 4 एंड 5 यहाँ से उठाया, कितना 6 यहाँ से उठाया, कितना होगा 15 एंड 6 यहाँ से उठाया, कितना होगा 21। ओके, तो ये हमारा आंसर था। अब एक बार टेस्ट केस को आप देखिए, आंसर यही आ रहा क्या। ओके, तो अब बेसिकली हम करेंगे क्या कि जो हमारा ए है, ओके, उसके बराबर हम टाइम को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले मिनिमम होने दे रहे हैं, फिर उसे ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली हम कितना ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं 7 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि हम 1 से उठा रहे हैं। ओके, मिनिमम होते होते ये 1 हो जाएगा, 1 के बाद हम 7 तक पहुंचा रहे हैं, तो ये हम 6 कंसीडर कर सकते हैं। अब मान लो इस जगह पे 6 है ही नहीं, तब क्या करेंगे, तो 6 या इस एलिमेंट का,
ओके, जो भी मिनिमम होगा उसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। या तो एलिमेंट मिनिमम होगा या फिर जो हमारी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम इस मिनिमम वैल्यू तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो जो मिनिमम होगा उसे कंसिडर करेंगे। कोड बस एक दो लाइन का है, काफ़ी ईजी है कोड। ओके, तो यहाँ पे स्कैन किया इन तीनों वेरिएबल को, फिर जैसे ही हम वैल्यू को स्कैन कर रहे हैं तो उसी टाइम पे हम चेक करते जा रहे हैं कि ए माइनस वन या जो वैल्यू हमने स्कैन किया उसमें से कौन सा मिनिमम है, उसे हम सम में ऐड कर दे रहे हैं और सम को इनिशियलाइज किया 20 से, तो जो भी फाइनल सम आया वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम बी। अब देखो प्रॉब्लम बी में क्या है, स्टेटमेंट तो अभी समझेंगे, बट मैं बताता हूँ मैंने क्या गलती की। मैंने ये स्टेटमेंट ढंग से नहीं पढ़ी, ठीक है। मैं देख रहा था कि एन एंड एम होंगे 10 to the power 5 की रेंज में, ठीक है, बट ये मैंने चीज़ नहीं देखी। इस वजह से मैं क्या कर रहा था कि इसे ऑप्टिमाइज तरीका इसका ढूंढ रहा था कि क्या ऑप्टिमाइज तरीका हो सकता है इसका कोड करने का, ठीक है। तो उस चक्कर में मुझे काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि काफ़ी कंडीशंस फंस रही थी कि इधर मिनिमम हुआ तब क्या होगा, मैक्सिमम उधर हुआ, या दोनों मिनिमम मैक्सिमम एक ही एरे में हुए तब क्या होगा। वो सारी चीज़ें मिलके काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना रहा था कोड को, बट जैसे ही ये कंस्टेंट मुझे पता चला कि 50 तक है तो फिर काफ़ी ईजी हो गया था कोड। ओके, अब देखो करना क्या है इसमें। तो अब एक बार हम इसे टेस्ट केस पे समझते हैं कि बेसिकली हमें करना क्या है इस एरे में। तो बेसिकली हमें एक एन दिया होगा, यहाँ पे एम दिया है, ये के दिया है, ठीक है, एन एम के। ओके, तो एक हमें एन साइज का एरे गिवन होगा, एक एम साइज का एरे गिवन होगा, ठीक है। और हमें के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, मींस दो लोग गेम खेल रहे हैं, लेट्स से ए एंड बी, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि हम के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मींस 1 to k। ओके, जब हमारा ये जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो इवन होगा, ठीक है, इवन हुआ तो बी मूव करेगा, ठीक है, ऑड हुआ तो ए मूव करेगा। ए एक मूव में क्या कर सकता है कि अपना कोई एलिमेंट बी में ऐड कर सकता है और बी का एलिमेंट उठा के अपने में ऐड कर सकता है। एंड जैसे ही इवन होगा, ओके, जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं उस ऑपरेशन की वैल्यू अगर इवन नंबर है तो मींस हम बी से कोई एलिमेंट उठाएंगे ए में डाल सकते हैं और ए से कोई एलिमेंट उठाएंगे बी में डाल सकते हैं। ओके, एंड बोल रहा है कि ये दोनों प्लेयर ऑप्टिमली खेल रहे हैं, मींस ये अपना नंबर बढ़ाने के चक्कर में है और ये बी अपने नंबर्स बढ़ाएगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि जब के ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे तो उसके बाद ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है अगर ए ऑप्टिमली खेले और बी भी ऑप्टिमली खेले। तो बेसिकली मैं क्या सोच रहा था कि इन दोनों एरे से कुछ मिनिमम एलिमेंट निकल के आएगा, लेट्स से एम एन, एंड एक कोई मैक्सिमम एलिमेंट निकल के आएगा, ठीक है, एम एक्स। तो मैं वो सोच रहा था कि कहीं ऐसा हुआ कि ये मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों ए में है तब क्या होगा, एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों बी में है तब क्या होगा। ओके, कहीं ऐसी कंडीशन बन गई, मिनिमम तो ए में है, ठीक है, ये ए में है, बट मैक्सिमम जो है वो हमारा बी में है। ओके, और इसका उल्टा भी बन सकता है, ठीक है, एम एक्स हो जाए हमारा ए में एंड एम एन हो जाए हमारा बी में, ठीक है, ये भी एक कंडीशन बन सकती है, ठीक है। एंड हाँ, ये चार कंडीशन बन रही थी, बट इतना दिमाग नहीं चलाना क्योंकि एन एंड एम की जो वैल्यू है वो 50 है, ठीक है। तो बस डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे ऑप्टिमली, पहला अगर ये ए खेल रहा है तो इसका ऑप्टिमल स्टेप क्या होना चाहिए, ऑप्टिमल होना चाहिए कि ये मिनिमम अपने से उठाए और इसमें मिनिमम ऐड कर दे और इसका मैक्सिमम उठाए अपने में ऐड कर ले, ठीक है, ये इसका ऑप्टिमल स्टेप हुआ। बी का भी सेम ऑप्टिमल स्टेप होगा कि मिनिमम को सामने वाले के एरे में ऐड करे और उसके मैक्सिमम को अपने में ऐड करे, ठीक है। क्योंकि एन एन एम 50 तक हैं तो हम हर इटरेशन पे अगर सॉर्टिंग भी परफॉर्म करें तब भी इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 50 log n, ओके, 50 log 50 ये कितना होगा हार्डली, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा कितने स्टेप चलेंगे, ज़्यादा ज़्यादा मैं मान के चला 60 स्टेप होंगे। ओके, तो ये चल जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बार इस टेस्ट केस पे समझते हैं, आपको चीज़ें दिख जाएंगी काफ़ी, ठीक है। ये है हमारा 4, 5 and 11,037, ठीक है, एंड हमारा एरे क्या है, 1, 1, 4, 5, ठीक है, 1, 9, 1, 9, 8। तो इसमें क्या है कि जब हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से स्टार्ट होगा तो चलेगा 11,037 तक, ठीक है, जो ये लूप चलेगा, लेट से आई आई अगर हमारा ऑड है, ठीक है, ऑड है तो इस केस में क्या होगा कि ये जो ए है, ए वो अपना मिनिमम एलिमेंट उठाएगा और इसमें ऐड करेगा और मैक्सिमम इधर आ जाएगा, ठीक है, हमारा एरे हो जाएगा 1, 4, 5 and 9, ठीक है, एंड 9 हो जाएगा। और ये जो बी एरे है वो क्या हो जाएगा, 1, 1, 1 and 8, 9, ठीक है। मैं इसे सॉर्ट करके लिख रहा हूँ, ठीक है, सॉर्ट करके लिख रहा हूँ, मीन्स ये सॉर्ट करके क्या आएगा, ये तो सॉर्ट करके एच टीज रहेगा, ये सॉर्ट करके क्या आएगा, 1, 1, 8, 9, 9, ठीक है, ये इसका सॉर्टेड ऑर्डर रहेगा। जब इसका 9 एलिमेंट इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो इसका एरे कुछ दिखेगा इस तरह से, ये बी का है, ये ए का है, ये बी का है, ठीक है।
तो जैसे ही आई हमारा ऑपरेशन मींस इवन होगा, अगला ऑपरेशन जैसे ही परफॉर्म करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये अपना मिनिमम उठा के इधर डालेगा और इसका मैक्सिमम उठा के अपने में डालेगा, ठीक है। तो इसका मिनिमम क्या होगा, 1 4 5, एंड इसका मैक्सिमम चला जाएगा इधर 1 1 8 9 9, ठीक है, इसका ये आ जाएगा। अब देखो हमने एक दो ही ऑपरेशन परफॉर्म किए, आई इक्वल टू 1 के लिए, आई इक्वल टू 2 के लिए। अब देखो हमें एरे सेम दिख गया, तो जैसे ही हम नेक्स्ट आई के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, आई लेट से आई इक्वल टू 3 के लिए, 4 के लिए, तो हर 2 के बाद हमें एरे जो इनके ओरिजिनल एरे थे वही मिलने वाले हैं, ठीक है। ये इस टेस्ट केस की बात है जिसमें मिनिमम दोनों का सेम है, ठीक है, ओके। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि इस केस में मिनिमम दोनों का सेम है, तब ये चीज़ हो रही कि हर कुछ इटरेशन के बाद हमें जो ओरिजिनल एरे था वही इनका मिल रहा है। तो अब बेसिकली करना कुछ नहीं है, बस ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि के जो है, के अगर ऑड है, ठीक है, 11 0 37, तो कुछ स्टेप बाद मींस कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद बाकी फिर जो भी हम आगे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो सारे ऑपरेशन रिपीट हो रहे होंगे, ओके। ऐसे ही इवन के लिए है, ठीक है, अगर लेट से हमारा ये होता है 11 0 0 32, तो इस केस में इवन है तब भी आगे ऑपरेशन कुछ स्टेप के बाद आगे सारे ऑपरेशन रिपीट होंगे, ओके। तो वही चीज़ है कि अगर के हमारा ऑड है तो इसमें हम इनिशियलाइज करेंगे मिनिमम ऑफ के एंड लेट से 7 या 9, कुछ भी आप ले सकते हो ऑड नंबर, ठीक है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि 7 स्टेप के बाद इसमें सारे स्टेप रिपीटेड होंगे, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे 2 ही स्टेप के बाद हमें रिपीटेशन दिख गया। 7 तो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल केस हो सकता है, ओके ओके, 7 तक हम जाएंगे नहीं, मैक्सिमम केस में 3 तक होगा और 3 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर के इवन है तो के में असाइन करेंगे मिनिमम ऑफ के कॉमा 8, ओके, क्योंकि ये आगे सारे रिपीटेशंस होंगे और ये के की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा जा सकती है, इसलिए हम के को छोटा कर रहे हैं, ओके। जो जो भी मैक्सिमम पॉसिबल हम बोल सकते हैं कि इसके बाद तो रिपीटेशन होना ही होना है, ओके, वो वैल्यू असाइन कर रहे हैं। बट हालांकि मुझे अगर मैं यहाँ पे 3 एंड 4 भी लिख देता तब भी चलेगा, ठीक है, बट मैं सेफ्टी के लिए इसे 7 या 8 लेके चल रहा हूँ। रिपीटेड ऑपरेशन हम बार बार ना करें, ठीक है, ठीक है। अब एक बार कोड देखते हैं इसका। अब देखो इसका कोड क्या किया, ये यहाँ पे एरे स्कैन किया है जे एंड जी, ठीक है, यहाँ पे 2 एरे स्कैन किए, उसके बाद इन दोनों को सॉर्ट किया है, देन भाई के अगर हमारा ऑड है तो के में असाइन किया मिनिमम ऑफ के एंड 9, मैंने वहाँ पे आपको 7 बताया था बट सेफ्टी के लिए 9 असाइन कर दिया, एंड यहाँ पे के में असाइन किया 8, बट मैं मान के चल रहा अगर मैं यहाँ पे 3 भी असाइन करूँगा तब भी ये कोड चलेगा, यहाँ पे 2 असाइन करूँगा तब भी ये कोड चलेगा, ठीक है, बट कोई ना, कंस्टेंट काफ़ी स्मॉल है तो उससे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एंड लूप चलाएंगे हम आई इक्वल टू 1 से लेके के तक। ऑड के केस में क्या होगा, जो जे है वो अपना मिनिमम एलिमेंट जी में असाइन करेगा और जी का मैक्सिमम एलिमेंट अपने में ऐड करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है कि जे जो 0 है, क्योंकि ये सॉर्टेड है तो जे 0 पे इसका मिनिमम एलिमेंट ही होगा, ठीक है, जे 0 में हमने असाइन कर दिया जी का जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है, ठीक है, एंड जी मैक्स में असाइन कर दिया जो इसका बेसिकली जो जे 0 पे एलिमेंट रखा था। बेसिकली हम इन दोनों की स्वैपिंग कर रहे हैं, मिनिमम ऑफ जे एंड मैक्सिमम ऑफ जे, इन दोनों की स्वैपिंग हो रही है, एंड उसके बाद हम सॉर्ट कर दे रहे हैं दोनों एलिमेंट को, क्योंकि इन दोनों जो एलिमेंट हैं वो 50 के आसपास होंगे, सॉर्टिंग से टाइम में ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। एंड वही चीज़ अगर इवन है तो उस केस में क्या करेंगे कि जी जो है वो अपना मिनिमम जे में देगा और जे का जो मैक्सिमम है उसे अपने में कंसिडर करेगा, ठीक है, जी 0 में असाइन करेगा जे का मैक्सिमम, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, वही चीज़ सेम लिखी है यहाँ पे, स्वैपिंग कराएंगे हम जी के मिनिमम और जे के मैक्सिमम एलिमेंट की, ठीक है, उसके बाद इन दोनों को सॉर्ट कर देंगे। और हाँ, एक स्टेप होगा कि जो ऑड के केस में क्या हो रहा, जी जे अपना मिनिमम एलिमेंट दे रहा है किसको, जी को, और जी का मैक्सिमम एलिमेंट ले रहा है, बट अगर कहीं ऐसा हो जाए कि जे का जो मिनिमम एलिमेंट है वो उसके मैक्सिमम से ज़्यादा हो, उस केस में हमें कोई भी इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमारा एरे ऑलरेडी मैक्सिमम है, ठीक है। तो उस केस के लिए हमने यहाँ पे ये कंडीशन डाल रखी है कि अगर जे का जो मिनिमम एलिमेंट है वो जी के मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ा हो जाए तो उस केस में हम कंटिन्यू कर जाएंगे, कोई स्वैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड फाइनली हम चेक करेंगे कि जे का क्या सम आया है एंड उसे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये कोड बेसिकली अपना चल रहा है, एक्सेप्टेड है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि आप अगर चाहो तो के की वैल्यू यहाँ पे कुछ कम भी लिखोगे तब भी चलेगी, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम सी, ओके। तो एक बार समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है इसकी। तो बेसिकली हमें एक n दिया होगा, एक m दिया होगा, n लेट से हमारा 10 है, ये m है हमारा 5, तो हमारे पास n एप्पल होंगे,
इन्हें हमें बेसिकली क्या करना है, इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है एम पीपल्स में। ये हमारे एम पीपल्स हैं यहाँ पे, और इनमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एप्पल्स को, ठीक है। हमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इन पांचों को एप्पल बराबर मिलना चाहिए, इक्वल एप्पल मिलना चाहिए, ठीक है, इक्वल। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अब ये बोल रहा है कि जो इस एन एप्पल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसके पास एक जादुई चाकू है, तो वो बेसिकली क्या करेगा, कोई एक पीस एप्पल का उठाएगा और उसे एक इक्वल हाफ में कट करके दे देगा, ठीक है। और इसके बाद लेट से ये दो हाफ में बटा, एक हाफ ये निकल के आया और दूसरा हाफ आया ये, तो अगेन इस एप्पल को ये इक्वल हाफ में काट सकता है, मीन्स एक ये रहेगा एक ये, दोनों इक्वल हाफ होंगे, ओके। तो हमें बताना है कि कितने कट में ये एप्पल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो लेट से यहाँ पे 10 एप्पल्स हैं, ओके, एंड ईच एप्पल 1 kg का, ठीक है, 1 kg का है, तो मीन्स जो इनका वेट भी रहेगा ना हर एक पर्सन के पास वो भी सेम रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा। अब देखो ये 10 एप्पल्स हैं यहाँ पे 5 लोग हैं, तो यहाँ पे तो ईजी है, दो दो एप्पल देते हर एक पर्सन को, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस केस में जो कट है वो बेसिकली जीरो रहेगा क्योंकि हमने एक भी कट नहीं लगाया। अब लेट से हमारे पास एन है 3, ओके, एंड एम है 4, तब क्या करते हैं कि जो फर्स्ट 2 एप्पल्स होते हैं उसमें से हम आधा आधा कट लगाते हैं, और ये टोटल कितने पार्ट हो जाते हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये, इससे 4 लोगों में बांट देते, ठीक है, 4 लोगों में बांट देते। फिर उसके बाद बचता हमारे पास एक एप्पल, ठीक है, तो एक एप्पल में एक कट हम यहाँ से लगाते, ठीक है, तो ये हो जाता आधा पार्ट, इसका ये आ जाता आधा पार्ट, इसका ये आ जाता, फिर एक कट इसमें लगता एक कट इसमें लगता, तो बेसिकली इसका एक पार्ट ये एक ये एक ये एक ये, तो टोटल 4 पार्ट हो जाते और 4 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते जो 4 लोग हैं हमारे पास, ओके, उनमें। अब देखो आप इसमें कट कितने लगे, एक ये कट लगा एक ये कट लगा, ओके, एंड उसके बाद ये थर्ड जो एप्पल था उसमें एक कट ये लगा एक ये लगा एक ये लगा, तो टोटल हमारे पास 5 कट्स लगे हैं, ठीक है। अब देखो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ग्रीडी है, इसमें डीपीपी कुछ सोचना नहीं है, बट अब सोचेंगे क्या, ठीक है। तो आप देखो जैसे किसी भी एप्पल पे अगर हम एक से ज़्यादा कट लगाएंगे, ठीक है, लेट से ये हमारा एप्पल है, इस पे हमने एक कट लगाया तो ये बेसिकली दो हाफ में बट गया, ठीक है, एक हाफ ये एक हाफ ये। अब जब हम अगला कट लगाएंगे ना इस एप्पल के जो भी पार्ट्स हुए हैं उसमें 2 कट लगाने पड़ेंगे, ठीक है, एक इसके लिए एक इसके लिए। अब जैसे ही हम आगे जाएंगे तो आगे हमें कितने कट लगाने पड़ेंगे, 4, ठीक है, एक इस वाले के लिए एक इस वाले के लिए एक इस वाले के लिए एक इस वाले के लिए। तो आप देखो कट जो है वो 2 की पावर में बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 2 की पावर 0, यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2, ओके, यहाँ पे 4 कट लग रहे हैं, यहाँ पे 2 कट लग रहे हैं, यहाँ पे 1 कट लग रहा है, तो ऐसे कट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आई, ओके। अब देखो इसे मैंने सोचा कैसे, ठीक है, ये थोड़ा सा यूनिक, आपको शायद जो ऑफिशियल एडिटोरियल आएगा उसमें कुछ डिफरेंट अप्रोच बताएं, बट ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन था, बट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हम एग्जांपल लेके चलते हैं 9 और 12 का, इक्वल एप्पल हम इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 12 पीपल्स में, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, लेट से एन हमारे पास होता 45 एंड ये एम होता 12, ठीक है। तो उस केस में क्या करते कि जितना मॉडलो आएगा, मींस रिमाइंडर आएगा, उस केस को हम डिस्कस करेंगे, बाद बाकी जो भी क्वेश्चन आएगा वो तो इजीली विदाउट एनी कट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेट से इसका क्वेश्चन कितना आएगा, 45 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आएगा आंसर 3 आएगा, तो 3 एप्पल हम 12 में बांट देंगे इजीली, तो टोटल कितने एप्पल हो जाएंगे, 36, ठीक है, 36 एप्पल हमारे ऐसे बढ़ जाएंगे, बाद बाकी बचेंगे कितने, 9 एप्पल। अब बेसिकली जो कट वाला खेल है वो इस 9 पे खेला जाएगा, ठीक है, 9 और 12। तो बेसिकली हमें कोई भी एन का नंबर दिया होगा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडुलो निकालेंगे एम के साथ, तो जो मॉडुलो आएगा हम उसके साथ प्ले करेंगे, बाद बाकी जो भी क्वेश्चन आएगा वो तो विदाउट एनी सिंगल कट हम ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अब देखो आप इसे समझो, थोड़ा सा ट्रिकी है बट समझ में आ जाएगा ईजिली, ठीक है। अब मैंने इसमें किया क्या है कि हमारे पास लेट से 9 एप्पल हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा मैं कि हमें बताया कि 9 जो है वो हमने मॉडुलो करके निकाला है, इसलिए ये 9 हमेशा कम होगा इस 12 से, ठीक है, एम से हमेशा कम होगा 9, ठीक है। एन जो मॉडुलो करके निकाला है, एन इक्वल टू एन मॉडुलो एम, वो हमेशा कम होगा किससे, एम से, ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आई। क्योंकि ये 9 कम है 12 से, इस वजह से हम किसी को एक सिंगल एप्पल नहीं पकड़ाएंगे, क्योंकि उसका जो जिस पर्सन को हम ये सिंगल एप्पल पकड़ाएंगे उसका काउंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सिंगल एप्पल हम किसी को नहीं पकड़ा सकते, अब इसमें लगेगा कट, ठीक है। इस चीज़ से प्रूव हो रहा है कि हर एक एप्पल में एटलीस्ट एक कट तो लगेगा, ठीक है, एक कट यहाँ पर लगा, एक इसमें लगा, एक इसमें लगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो अब तक हमारे पास कितने कट हो गए, 9, ठीक है।
नाइन कट हो गए, तो अब ये कितने पार्ट में बट गया एप्पल, 18, ठीक है। नाइन थे ना, एक एक बार कट लगा दिया तो एक एप्पल टू टू हाफ में ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये अब कितने हो गए, 18, ठीक है। और हमारे पास बंदे कितने हैं, 12। इस 18 में से 12 पार्ट तो हम इजीली इन 12 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो 12 डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये क्या आएगा, 6, ठीक है। तो 6 बेसिकली क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, ओके। ये कंप्लीट एप्पल नहीं होगा, ये आधा पार्ट होगा एप्पल का, ठीक है। ऐसे 6 पार्ट हमारे पास बचे हैं एप्पल के। अब अगर हम इसमें एक कट लगाएं तब क्या होगा, एक कट इसमें लगेगा, एक 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 इसमें लगेगा। तो टोटल हमारे पास कितने कट हो गए, 9 प्लस 6 15, ठीक है। अब इसके पार्ट कितने हो जाएंगे, 12, ओके 12। अब 12 को हम 12 लोगों में आसानी से बांट सकते हैं, मीन्स एक एक पार्ट सबको दे देंगे तो ईजिली सबके हिस्से में एक इक्वल अमाउंट ऑफ एप्पल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना एप्पल आया इनके हिस्से में, तो बेसिकली 45 पहले थे इनिशियली, तीन पहले पहले आ गए, फिर आधा मिला, ठीक है। उसके बाद ये वन बाई फोर्थ पार्ट मिला, तो बेसिकली 3.75, ये इतना एप्पल आ रहा है हर बंदे के हिस्से में, ठीक है। अगर हम 3.75 इंटू 12 कर देंगे ना, तो वो हमारा 45 ही आएगा, ठीक है। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आई कि हम ऐसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बस हम करेंगे क्या, एक लूप चलाएंगे, ठीक है। लूप चलाएंगे मीन्स वाइल, जब तक एन हमारा जीरो नहीं हो जाता, ठीक है। ये वाइल लूप चलेगा जब तक हमारा एन जीरो नहीं हो जाता। एक हम काउंट वेरिएबल लेके चलेंगे जो बेसिकली नंबर ऑफ कट्स को स्टोर करेगा। तो काउंट में हम इनिशियली क्या स्टोर करेंगे, एन मॉडलो एम, ठीक है। जो मैंने अभी बताया था 45 के केस में क्या था, 45 मॉडलो 12 किया तो आया 9, ठीक है। तो ये 9 इस काउंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। काउंट प्लस इक्वल टू एन मॉडलो एम, एंड 9 आया, 9 से कितने हिस्से बने थे, 18, ठीक है। तो वही सेम चीज करेंगे, एन हो जाएगा हमारा 2 इंटू एन मॉडलो एम, वही सेम चीज़ 18 हुआ, ठीक है। अब एन हमारा 18 हो गया, तो उसमें से जितना क्वेश्चन आएगा वो तो हम बांट देंगे इजीली, बाद बाकी जो भी रिमाइंडर बचेगा, मीन्स यहाँ से हमने 12 तो निकाल दिए थे, बाद बाकी बचा कितना था, 6। तो 18 मॉडलो अगर 12 करें तो तब भी तो 6 ही आएगा, तो वही चीज़। अब एन हमारा ये हो गया कितना, 18, ठीक है। अब जब अगले इटरेशन में कितना हो रहा होगा, 18 मॉडलो 12, तो ये आया 6, 6 हमारा इसमें ऐड हो गया काउंट में, मीन्स 9 प्लस 6, 6 हमारा ऐड हो गया इसमें। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे लूप आएगा तब क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी 12, ठीक है। अब जैसे ही हम 12 मॉडुलो 12 करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो 0 जब ऐड होगा तो काउंट की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, और एन हमारा हो जाएगा 2 इंटू 0, ठीक है। तो एन भी हमारा 0 हो जाएगा और लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। एंड अगर कहीं पे भी ऐसा केस आता जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे तो ये लूप चलता ही चलेगा। मीन्स एक लेट से कोई एग्जांपल लेते हैं 1 एंड 5 का, ठीक है। अब इसे समझते हैं, इसमें आपको पता चल जाएगा कि लूप क्या कर रहा है, कि एक पर्टिकुलर स्टेप से शुरू हो रहा है और वापस उसी पे आ जा रहा है। तो मींस ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी क्योंकि हम इसमें साइकिल एग्जिस्ट कर रही है, ओके। साइकिल एग्जिस्ट, हम जिस पॉइंट से शुरू किए थे वहाँ पे वापस आ रहे हैं, तो ये लूप चलता ही चलेगा, ठीक है। अब लेट से एन हमारा कितना है, 1 1, एन है, एम कितना है, 5, ठीक है। तो यहाँ पे लूप चलाते हैं वाइल एन, ठीक है, ये लूप चलेगा। यहाँ पे देखेंगे कि काउंट में क्या असाइन करेंगे, प्लस इक्वल टू 1 मॉडलो 5, ठीक है, हाँ। एंड इसके बाद एन हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 मॉडलो 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2। फिर काउंट वाला अभी हम स्टेप नहीं देख रहे, अभी हम इस पे फोकस कर रहे हैं, इस स्टेप पे। तो अगले स्टेप में क्या होगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 4 मॉडलो 5, ठीक है। अब अगले इटरेशन क्या होगा, ये हो जाएगा डबल हो जाएगा इसका, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 मॉडलो 5, 8 मॉडलो 5, ठीक है। ये कितना होगा, 3। अब अगले स्टेप में अगेन ये डबल हो जाएगा, 2 इंटू 3 मीन्स 6 मॉडलो 5, ठीक है, 6 मॉडलो 5, जो कि आएगा 1। अब देखो, आप देखो यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट किए थे और 1 पे ही वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे साइकिल एग्जिस्ट कर रही है, मीन्स हम उस लूप में घूमते चलेंगे और ये कभी भी एंड होने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे, मीन्स टेम्प क्या, स्टेप वेरिएबल ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, कहीं पे भी अगर ये स्टेप ग्रेटर देन हो जाता 100, तो उस केस में हम -1 प्रिंट कर देंगे। हालांकि आप 100 की जगह कुछ कम नंबर भी लिखोगे चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये एट मैक्स ज़्यादा ज़्यादा ये इसमें स्टेप लगेंगे, ज़्यादा ज़्यादा 32 के आसपास या 16 के आसपास ऐसे स्टेप लगेंगे इसमें, ठीक है। तो बस यही था सॉल्यूशन। अब एक बार कोड देखते हैं, आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे है कोड, कोड काफ़ी ईजी है इसका। यहाँ पे एन एंड एम को स्कैन किया, काउंट वेरिएबल डिफाइन किया, स्टेप को निकाल, स्टेप वेरिएबल डिफाइन किया एंड लूप चलाया वही जब तक एन जीरो नहीं हो जाता। काउंट में हम प्लस करते चले गए, जो भी मॉडलो आएगा एन मॉडलो एम, एंड ये हर टाइम पे जो मॉडलो आएगा इसके डबल पार्ट हो जाएंगे। ओके तो इसलिए एन में हम असाइन कर दे रहे टू इंटू एन मॉडलो एम, ठीक है, एंड स्टेप को प्लस प्लस कर दे रहे। अगर कहीं पे भी हमारा स्टेप 32 से ज़्यादा हो जाता तो हम वहाँ पे -1, अदरवाइज काउंट को प्रिंट कर दे रहे, ठीक है। काउंट है बेसिकली कितने नंबर ऑफ कट्स हमें लगाने पड़े, ठीक है। ओके तो गाइज ये था इन तीन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज तो कल मैं इस प्रॉब्लम डी का भी सॉल्यूशन अपलोड करूंगा, अभी के लिए इतना ही, बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।